इस बार जनता की पुकार कब आएगा तेलिया बांध में बाहर, पूरे कचरा से भरा हुआ है, जानिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम लोग देखिए बगल में तालाब है जो तेलिया बांध के नाम से प्रसिद्ध है, भगत सिंह चौक कतरास बाजार के पास है, आता है वहाँ पर। आप देखे होंगे कि वहाँ पर तालाब जो है, तालाब में अब इतना गंदगी है, इतना कूड़ा कचरा है। तालाब तो लगभग 10 साल से ऐसे पड़ा हुआ है, पहले कहीं नहीं जागे थे 10 साल। देखिए ये देखिए मेरे पास प्रूफ है, ये 3/9/2019 को हमने श्रीमान नगर आयुक्त महोदय को दिया था, और प्रतिलिपि देखिए इधर उपायुक्त महोदय धनवाद, महापौर महोदय धनवाद, नगर आयुक्त महोदय धनवाद, सांसद महोदय गिरिडीह, विधायक महोदय बागमारा। कितना लोगों का हस्ताक्षर था उसमें? 2,000 से 2,500 आदमी का मोबाइल नंबर सहित जो है हम दस्तखत हस्ताक्षर करवा करके दिए थे। ये आवेदन 2019 में दिया था। जी हाँ। उसके बाद क्या हुआ जो ये काम रुक गया? सर लगभग 3 वर्ष बीत गया है लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ, किसी भी एक। क्यों नहीं हुआ? जनता जागरूक नहीं है? अब जनता तो लिख करके दिया है, ये तो सरकार का काम था। हम लोगों ने सरकार को, स्थानीय लोगों ने पूरे लिख करके 2,000 से 3,000, हम तो समझते हैं कि पूरे झारखंड में एक तालाब को बचाने के लिए, जिंदा रखने के लिए इतने सारे लोगों को हस्ताक्षर के जनता के साथ में नहीं दिया गया। जनता के जो प्रतिनिधि है वो क्या कर रहे हैं? जनता के प्रतिनिधि को भी तो हम लोगों ने लिख करके दिया है। कुछ दिन पहले एक समाज सेवी आई थी, उन्होंने भी इसका निर्णय लिया कि हम इसको आगे तक बढ़ाएंगे। ये तो इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या किया। लगभग 2,000 का संख्या में हस्ताक्षर करवाए, नगर आयुक्त को दिए, SDO को दिए, उपायुक्त को दिए, लेकिन उनका काम नहीं बना। ऐसे में फिर से एक बार वो जागृत हुए हैं, आइए हम उनसे पूछ रहे हैं कि वो अब क्या करेंगे। हाँ, आप इतना देर से क्यों जागृत हुए? देखिए हम लोग बराबर जनप्रतिनिधि वगैरह को बराबर बोलते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो ये हिंदुस्तान पार्षद वोट बहिष्कार क्यों? देखिए वोट तो हालांकि मजबूरी में देना ही पड़ता है। क्यों देते? देते हैं क्या करें, वोट जनता पर। ये जनता प्रतिनिधि आपका काम नहीं करेंगे तो फिर उनको वोट लेने का क्या अधिकार? देखिए वो तो ठीक है, खाली एक मेरे वोट से वो प्रतिनिधि हारता। जीवन में जब से पॉलिटिक्स स्टार्ट किए, राजनीतिक स्टार्ट किए, हर सच्चा लोग को साथ दिए, इसी के तहत हमारे भाई आज राजे संतोष स्वर्णकार जी बोले कि नहीं भैया रहना है, आज भी इनके साथ है। सच्चा का जो भी आवाज़ उठाएगा, हम लोग कोई राजनीतिक समस्या हम लोग देखते भी आ रहे हैं, देखे भी, हल भी किए हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि जनता का बात है तो जनता निर्हीन प्राणी है, जीता हर पार्टी है और हर समय जनता ही धोखा खाया है। चुनाव को हम लोग ऐसा देखे कि यहाँ पानी लोग पीता था, अभी ऐसा क्यों? ऐसा गंदगी चारों लोग भर गया, चारों तरफ से गंदगी इसमें भर गया है। गंदगी का मौका कौन दिया? मौका दिया या कि बस्ती वाला टाइट अगर होता तो इतना मौका नहीं मिलता। जमीन बिका 4 डिसमिल, मरियाया है लोग 6 डिसमिल। अच्छा लोग आते थे, लेकिन आज ऐसा गंदगी हो गया है कि कहना ही और देखना ही सबसे हमें खराब हो गया है। तालाब है और यहाँ के लोग किसी से जीवन मरण था, आज घर घर बोरिंग हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन लोग इस तरह से गंदा कर दिए हैं। सारे लोग घर का कचरा, जो कि कचरा गाड़ी आता है उसमें लोग नहीं देते हैं, और कचरा इसी में क्या भैया, तो पूजा का ये सामग्री है, पूजा की ये सामग्री है, और इस तरह से करते करते ये इतना ना ये गंदा हो गया है कि जिसका कहना मुश्किल है। यही गंदगी हटाने के लिए और क्या, गंदगी हटाएगा, पानी सफा रहेगा तो हम लोग को पानी भी अच्छा हम लोग पिएंगे। यहाँ पर जितना है कूड़ा कचरा सब डलाता है, तो ये नहीं डलाएगा तो सफा रहेगा तभी ना। तालाब की दुर्दशा को देखकर जहां लोग एक तरफ जागरूक हो रहे हैं और इसकी सफाई की बात उठा रहे हैं, वहीं समाज सेवी संतोष कुमार स्वर्णकार ने कहा है कि अगर अगले 15 दिनों के अंतर्गत इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो 10 से 11 मई वो आमरण अनशन पर बैठेंगे।
जनता तो जागरूक हो रही है, जल संरक्षण और जल की भूमिका को अब वो समझने पर आमादा है, क्योंकि जल है तो कल है, इसकी बात लगातार व्योम टीवी के पेज पर आप देख रहे हैं। अब बात यही उठता है कि कौन और कितना इस पर मुखर और प्रखर होकर अपनी बात रखता है और किस जनप्रतिनिधि की आँख इतनी पैनी होती है कि इस तरीके की चीज़ों को समझकर हमें लोगों के बीच में न केवल रखना है बल्कि उन समस्याओं को पूर्ण रूप से निदान करना है। अगर 15 दिनों के अंदर में ये तेलिया बांध तालाब में अगर काम नहीं लगा तो हम लोगों ने 10 और 11 दो दिवसीय निर्जला उपवास में हम लोग बैठेंगे, निर्जला उपवास में, चाहे हम लोगों को इस तालाब को बचाने के लिए भले ही जान क्यों न दे।